बुंदेलखंड दशकों से बेबसी बदहाली और सूखे की मार झेलता इलाका। जिससे कुदरत ने आंखें कब की फेर ली थी। सरकारी ड्रामे हुए मगर मच्छी आंसू बहाए हुए, करोड़ों के पैकेज दिए गए, लंबे लंबे ऐलान हुए, मगर ना तो बुंदेलखंड की तस्वीर बदली और ना ही यहां के लोगों की किस्मत। नतीजा बड़ी संख्या में पलायन हुआ है यहां से, जो हालात से लड़ते हुए टिक गए वो आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं, और जो चले गए वो कब खेतिहर से मजदूर बन गए उन्हें खुद भी पता नहीं चला। मानवीय त्रासदी की सबसे खौफनाक तस्वीर दिखती है यहां पर। मगर इसी बुंदेलखंड में वक्त वक्त पर जज्बे और हौसले की कई कहानियां भी लिखी हैं। इंडिया 24/7 ने देवराज से लेकर महोबा के भगीरथ ब्रह्मानंद तक की कहानियां आपको दिखाई है, जिन्होंने अपने हौसले से हालात को बदल दिया। इन्हीं कहानियों के सिलसिले की अगली कड़ी का नाम है कस्तूरी। जिसने अपनी जरूरतों को जज्बात बना लिया, जिसने हालात के आगे घुटने नहीं टेके और बन गई मिसाल। ये कहानी है सहरिया जनजात की एक ऐसी महिला की जिसने हालात बदलने का चट्टानी जज्बा दिखाया है। करीब 5 साल पहले सहरिया जनजात के तकरीबन 40 परिवार आकर इस नरसिम्हा बस्ती में बस गए, लेकिन यहाँ भी इनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर उन्हें चलकर जाना पड़ता था और एक झिर से पानी लेना पड़ता था। ग्लासों से वो पानी भरा जाता था और फिर बाद में मटके में डाला जाता था। जाहिर है कि इस काम में काफ़ी वक्त लगता था और काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। इसी परेशानी से खुद को और अपने गाँव वालों को निजात दिलाने के लिए कस्तूरी ने कुएं खोदने का संकल्प लिया और आखिरकार लोगों की मदद से वो अभियान पूरा हुआ। कस्तूरी नाम से भले ही मामूली हो, मगर इस नाम को खास बना दिया खुद कस्तूरी ने। बूंद बूंद पानी को तरसते 45 परिवारों के लिए कस्तूरी ने एक लक्ष्य दिया। इस महिला के चट्टान से इरादों ने वो कर दिखाया जिसे करने के लिए सरकारें सिर्फ दावे करती रह जाती हैं। हमने खुद हाथों से खोदा है, गेंती मारी, हमने फावड़े चलाए, फिर हमने सबसे कही, हमने कि एक काम करो, सब बस्ती बारे मिलजुल के चलो कुगा खोदो। ये अपन और परेशानी है का को से कम खदानों को पिगो और कम तालाब एक झिर गया है, एक झिर गया को पिगो। हमने अब का कर गए, गिलासों से पानी पी रहे थे तो कुगा खोद खोद के हम और अन्य मतलब 2-3 फुट पे पानी निकाल लिया। निकाल के फिर हमने किया अपन एक काम करो, चनखारी मनखारी से फूर फार के उतई से वो हमने का को उसे बंधवाया, बंधवात बंधवात फिर हमने किया बजरी ले लो अपन इकट्ठा करवा, हमने कही सो फिर वह इकट्ठो करवाई बजरी, सो पानी गिर गया उस बारस में हमने कर नहीं पाया। परेशानी हती हमें, जिसलिए तो आए हैं।
बेहद मजबूत इरादों वाली कस्तूरी ने जिस तरह संघर्ष किया उसका फल अब उन्हें मिल चुका है। मगर वो अपनी उस जद्दोजहद की याद कर अभी भी सहम जाती है कि कैसे बिना किसी सरकारी मदद के उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सरकार ने कुछ पैसा दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया सरकार ने तो नहीं दा, मानो संस्था वारन ने दाव है, थोड़ा बहुत दिया। हाँ, साथ दाव है। असल में पानी की समस्या से जूझ रहे इन परिवारों का दर्द कस्तूरी से देखा नहीं गया। उसने हर चौखट पर माथा टेका, हर दफ्तर तक फरियाद लेकर पहुंची, मगर हर जगह निराशा मिली। आखिरकार कस्तूरी ने पहाड़ जैसा हौसला दिखाया, गांव के लोगों को समझाया और फिर शुरू हो गई मुहिम। आमतौर पर इंसान जब उसको कामयाबी नहीं मिलती है तो वो हौसला छोड़ देता है, लेकिन कस्तूरी की हिम्मत ऐसी थी कि उसने जब तक जमीन का सीना चीर नहीं दिया, दम नहीं लिया, और आखिरकार जमीन को भी रहम आया और उसने अपना सीना चीर कर नरसिम्हा बस्ती के लोगों को पीने का पानी मुहैया करा ही दिया। सब ने कह दी थी चलो खोदें कुगा, परेशान तो हो रहे, जब परेशानी काय उठाएं कई, इसलिए सब हुए खट्टे मतलब मिल जोर के और कुगा खोदा। असल में कस्तूरी की कहानी का ये सिर्फ एक हिस्सा भर है। अपना घर बार छोड़कर दूसरे इलाके में आना, यहाँ बसना और फिर उसी जद्दोजहद से जूझना जिसके चलते अपना घर छोड़ना पड़ा था। ये सब कुछ आसान नहीं था। कुछ दिनों की कस्तूरी की मेहनत देखने के बाद गांव वाले भी प्रभावित हुए और 40 परिवार के लोगों ने मिल करके इस कुएं को खोदना शुरू किया। कुछ बाहर के लोगों ने भी सपोर्ट किया ताकि कुएं की दीवारें पक्की हो जाएं। करीब 4 से 5 फीट जब ये कुआं खोदा गया तो मिट्टी कुछ गीली दिखाई दी, ये उनकी खुश नसीबी थी। उसके बाद और मेहनत की गई और तकरीबन 20 फुट तक ये कुआं खोद दिया गया, कस्तूरी उसकी प्रेरणा से और गांव वालों की मेहनत से। करीब 20 फुट के बाद फिर ये कुएं में से पानी निकल आया और गांव वालों को एक बहुत बड़ी मुश्किल से निजात मिल गई। आज ये कुआं आप देख रहे हैं बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। हालांकि अब बारिश शुरू हो गई है बुंदेलखंड में, लेकिन बीते 3 महीनों में इसी कुएं से सहरिया आदिवासियों के नरसिम्हा गाँव के लोगों को पानी मिलता रहा। बुंदेलखंड के गांवों में जिंदगी किसी जद्दोजहद से कम नहीं, लेकिन इसी संघर्ष से हौसले और जज्बे की ऐसी मिसालें सामने आती हैं जिससे ये साबित होता है कि हालात जितने कठिन होंगे हौसला उतना ही बुलंद होगा। कहते हैं जरूरतें जब जज्बात का हिस्सा बन जाए तो इंसान कुछ भी कर गुजरने का हौसला पा लेता है। कस्तूरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जिन जरूरतों के चलते कस्तूरी ही नहीं उसके पूरे कुनबे ने अपना गांव छोड़ा था, वो जरूरतें फिर भी जिंदा थी। एक इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में आना, मगर यहां भी मुश्किलें घटने की बजाय और बढ़ गईं। 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाने की मुश्किल, जीवन जीने की मुश्किल, इन मुश्किलों के बीच रास्ता कैसे निकले ये बड़ा सवाल था कस्तूरी के सामने। अपने 5 लोगों के परिवार को बूंद बूंद पानी के लिए तरसते देखना कस्तूरी के लिए रोज की नियति थी। तीन महीने पहले पानी का यह शोर बिल्कुल नहीं था, ना यहां पर पानी था, ना कुआं था, ना पानी का यह शोर था। अगर था तो सिर्फ तपती हुई पत्थर की चट्टाने थी। यहीं से कस्तूरी के संकल्प की कहानी शुरू होती है। सहरिया आदिवासी कस्तूरी ने ये संकल्प लिया कि वो अपने गांव वालों को पीने का पानी मुहैया कराएगी। हमने मजदूरी करी, वो कुगा खोदाया, वो बाल बच्चन को खुआ पे आया। तुम्हारे घर में कौन कौन है? हमारे घर में
बच्चा है दो, दो लड़का है और दो बंगवे हैं और हम हैं, पांच जनी हैं घर में। तुम्हारे पति क्या करते हैं? मुंशीगिरी। कहाँ पर? खदान पे। और तुम भी मजदूरी करते? हम मजदूरी करत। बच्चे तुम्हारे? बच्चे करत है, कम नहीं करत, वे घर बैठ के खाते हैं। ये हमारे पीछे कस्तूरी का घर है। घास फूस की झोपड़ी, पॉलीथीन का सरमाया, एक जोड़ी बकरियां हैं। वन क्षेत्र के बीच में चूंकि यह गांव बसा है, इसलिए बिजली यहां तक नहीं पहुंची है, अंधेरे में रहना पड़ता है। ये कस्तूरी का बेटा है, ये उसकी बिटिया है। क्या नाम है तुम्हारा? राम प्रसाद। राम प्रसाद, तुम्हारी माँ ने बड़ी हिम्मत की, कुआं खोदा, कैसे ये सब हुआ और तुमने क्या साथ दिया अपनी माँ का? हम भी मेहनत करने जाते थे साहब कुआं में। तो कितनी मेहनत करी गई उसमें, कितने लोग शामिल हुए? पहल किसने करी? सब लगे थे, 40 आदमी लगे थे। सब ने काम किया, हम भी लगे थे। क्या करते हो तुम? काम करते हैं कुएं में। पढ़ाई लिखाई की है? पढ़ाई लिखाई नहीं की। क्यों? नहीं गए, काम करते हैं। नाम बताओ बेटा? गीता। गीता पढ़ने जाती हो? जी। किस क्लास में पढ़ती हो? पांचवी। तुम्हारी माँ ने कुआं खोदा तुम्हें मालूम है? जी। तुम भी जाती थी काम करने की नहीं जाती थी? नहीं। कौन जाता था घर से, कौन कौन जाता था? मम्मी पापा भाई। तो ये छोटा सा परिवार है कस्तूरी का, और जैसा बताया बेटे ने कि वो भी मजदूरी ही करता है। कस्तूरी के पति भी मजदूरी करते हैं, वो खुद भी मजदूरी करती है, और फिर उसके बाद किसी तरह से इस घर का खर्चा चलता है। जाहिर है कि बहुत ही मुश्किल हालात हैं, बिजली नहीं है, पानी भर के दूर से लाना पड़ता है। किसी तरह से सहरिया बस्ती के लोगों की ज़िंदगी गुजर रही है। जाहिर है कि इतने मुश्किल हालात में भी लोग हिम्मत नहीं हारते और अपने जीने की जद्दोजहद को आगे बढ़ाते हैं और उस संघर्ष को कहीं ना कहीं जीत भी लेते हैं। तीन महीने तक आपने मजदूरी की, खदान भी खोदी, कुआं भी खोदा, घर भी देखा, कैसे किया सब कुछ? हमने ऐसा करा के मतलब मजदूरी भी करने खाने को, और सुखा को सुखा भी खोदो, उन्हें पानी की परेशानी है तो बाल बच्चन को भी देखने को खाना पीना करने आओ, और सुखमा के भी देने पड़ा। तो तीन महीने तक बहुत मेहनत करनी पड़ी? बहुत मेहनत करे, मेहनत के खा रहे कमा रहे, मेहनत करें जब ही तो खाते हैं, बिना मेहनत को दे रहा संग बताओ। तो ये है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में औरतों को घर की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, लेकिन कस्तूरी ने घर की जिम्मेदारी उठाने के साथ साथ गाँव वालों की भी जिम्मेदारी उठाई। तीन महीने लगातार उसने मेहनत करी, कुआं खोदा, घर के खर्चे को चलाने के लिए मजदूरी भी की, घर भी देखा, बच्चों को भी देखा, सबको खिलाया पिलाया भी, और गाँव वालों का भी भला किया। तो यह है एक कहानी कस्तूरी की, एक औरत के संघर्ष की, कि किस तरह उस महिला ने तीन महीने जी तोड़ मेहनत करके गांव वालों को पीने का पानी आखिर मुहैया कराया। बुंदेलखंड में पलायन की तमाम कहानियों में से ये भी एक कहानी है, वो कहानी जो असल में हकीकत की वो तस्वीर दिखाती है जिसे हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें देखना नहीं चाहती, या यूं कहें देख कर भी आंखें चुरा लेती है। जिनके लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने का दावा हमारी सरकारें करती हैं, वो किस तरह पलायन को मजबूर है, किस तरह जद्दोजहद कर रहे हैं, इसकी बानगी दिखाती है कस्तूरी की कहानी। ललितपुर में सहरिया जनजात की आबादी तकरीबन 1.25 लाख के आसपास है, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारा सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा है कि सहरिया जनजात के लोगों को अगर वो किसी गांव में रहते हैं तो उस गांव से थोड़ा हट के उन्हें बस्तियां बनानी पड़ती हैं, समूहों में रहना पड़ता है। अभी तक बुंदेलखंड के गांव में सहरिया जनजात को लेकर के तमाम सारी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से कभी कभार उन्हें अपनी बस्ती, अपना गांव, अपनी पुश्तैनी ज़मीन तक छोड़नी पड़ती है। यहाँ पर जो लोग बसे हैं उनके साथ भी इस तरह की तमाम दिक्कतें थीं। हमारे साथ ब्रजेंद्र हैं जो इसी इलाके के रहने वाले हैं। ब्रजेंद्र, हमें बताएं कि वहाँ से ये लोग यहाँ आखिर क्यों आए? वहाँ पर करीब 40-50 परिवार निवास करते थे,
लेकिन वहाँ पानी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की थी, जो कुआ था तो वहाँ छुआछूत का अभाव है। शहरी लोगों से आदमी छुआछूत मानते हैं, साथ में पानी नहीं भरने देते हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होने के कारण इन लोगों ने सोचा कि हम कहीं जाके दूर बसें और वहाँ अपनी व्यवस्था करें। और इन लोगों ने आके यहाँ करीबन 5 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं और अपना संघर्ष करके कुआ खोदा है, जिसमें इनको सफलता भगवान ने दी है, पानी दिया है और अपने आजीविका जंगल की जड़ी बूटी है और लकड़ी है, इसको बेच के अपनी आजीविका चला रहे हैं। पप्पू आप ये बताइए कि आप पहले कहाँ रहते थे? हम तो गांव पर रहते थे साहब। गांव का नाम बोलो। दुधई। यहाँ कब आए? हम 5 साल हुई। क्यों आ गए यहाँ? परेशानी थी सर, बहुत परेशानी थी, पानी की परेशानी थी। कुआ जाते थे सो लोग पानी नहीं भरने देते थे और इतिहास काम चल कर पानी की व्यवस्था मिला ली, मैंने अच्छी खुशीबाजी से रह रहे। यहाँ कुआं खोदने आप भी गए थे? हाँ। कितनी मेहनत करी थी? अब मेहनत तो करी साल, सबसे ज्यादा मेहनत। हाँ, सबसे ज्यादा मेहनत हर इंसान ने करी, जितने हम परिवार लोग। कस्तूरी ने भी मेहनत की। एक तो उनके रहने सहने को लेकर के सामाजिक बुराइयां जिस तरह से फैली हुई हैं, उनके सामने दिक्कतें पेश आती हैं, और दूसरी तरफ बुंदेलखंड की अपनी अलग जो समस्या पानी की है वो भी उनको झेलनी पड़ती है। यानी एक शहरी जनजात के व्यक्ति को, परिवार को दोहरी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके उनकी हिम्मत और उनके हौसलों में कोई कमी नहीं है, उनके संघर्ष में कोई कमी नहीं है, जिसकी मिसाल कस्तूरी है, जिसकी मिसाल नरसिम्हा बस्ती के लोग हैं। हमारे सहयोगी अमित सोनी और कैमरा पर्सन मनोज मिश्र के साथ मैं विवेक तिवारी, इंडिया 24/7, ललितपुर।